सिर्फ आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट आपको चाहिए कुछ डॉक्यूमेंट और फिर आप भी आ सकते हैं चाइना। दोस्तों इसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, वो है जी एक आपका रिजर्व्ड होटल कि आप जहाँ पे रहेंगे उसकी आपकी बुकिंग, जो आपको कितने टाइम का वीज़ा मिलेगा। तो याद रखें दोस्तों आपको वीज़ा मिलता है जी 3 माह का, उसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून। आज का दिन बहुत ही अच्छा है दोस्तों और मैं आ गया हूँ चाइना के एक बहुत ही अच्छे खूबसूरत पार्क में। आप देख रहे हैं जी सुहाना मंज़र मेरे पीछे और सुन रहे हैं जी चिड़ियों की आवाज़ जो कि मन को बहला रही है और मुझे दे रही है बहुत ही मज़ा। तो दोस्तों इस मज़े को दुबाला करने के लिए एक आप नज़र देखें पहले, ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र है और इतनी शांति है कि यहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। इट्स रियली अमेजिंग। तो दोस्तों आप भी आ सकते हैं चाइना अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आएँ या बिजनेस वीज़ा पे आएँ। तो आज दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ चाइना में एज ए टूरिस्ट कैसे आया जाता है या चाइना को देखने के लिए घूमने के लिए आपको टूरिस्ट वीज़ा कैसे मिलेगा। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही शानदार। ये देखें दोस्तों बहुत ही प्यारा मंज़र है और यहाँ पे लोग आए हुए हैं जी वॉक के लिए और टॉक के लिए और यू नो नेचर को एंजॉय करने के लिए। दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि टूरिस्ट वीज़ा पे अगर आप चाइना आएँ तो आपको आएगा बहुत ज़्यादा मज़ा। तो टूरिस्ट वीज़ा कैसे हासिल किया जाता है? दोस्तों ये बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट आपको चाहिए कुछ डॉक्यूमेंट और फिर आप भी आ सकते हैं चाइना और कर सकते हैं एंजॉय। वो डॉक्यूमेंट क्या है? सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो ये हैं। दोस्तों पहली बात तो ये कि अगर तो आप 5 लोगों का या 5 लोगों से ज़्यादा का ग्रुप हैं तो फिर आपको वीज़ा मिलेगा बहुत ही ईजी, चाइनीज़ टूरिस्ट वीज़ा आपको मिलेगा बहुत ईजी। और अगर आप किसी चाइनीज़ ट्रैवल एजेंसी से रابطہ करें तो फिर आपका टूरिस्ट वीज़ा कभी रिजेक्ट हो सकता ही नहीं। लेकिन 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप, पहली बात तो ये। अगर इनकेस ऐसा नहीं भी है तो आपके पास होना चाहिए प्योरली इनविटेशन लेटर किसी भी इंडिविजुअल का जिसका यहाँ पे आईडी कार्ड हो, जो यहाँ का रहायशी हो, जो यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट हो और यहाँ पे रह रहा हो, या ऐसी कंपनी ऐसा इदारा जो यहाँ पे मुकम्मल कारोबार करता हो और परफेक्शन उसके अंदर हो और वो स्टेबल हो, तो वो आपको भेजेगा इनविटेशन लेटर जिसके अंदर आपका होगा नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आप यहाँ पे क्या क्या करेंगे, पूरा इटिनररी उसका वो आपको भेजेगा। तो वो सारा कुछ आप फैक्स में या फोटोकॉपी में या किसी भी ईमेल में उसका प्रिंट आप लेकर जाएंगे तो फिर आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। पहला डॉक्यूमेंट तो ये। दूसरा डॉक्यूमेंट, आपके पासपोर्ट की जो लेंथ है वो 6 माह से ज़्यादा होनी चाहिए और उस पर जो ब्लैंक पेजेस भी हों जहाँ पे आप वीज़ा लगवा सकें। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो मेरे नज़दीक 5 से 6 लाख मिनिमम होनी चाहिए, फिर आपकी रिजेक्शन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। आपके पास तस्वीरें होनी चाहिए, इसके साथ आपने वीज़ा फॉर्म फिल करना है जो कि जहाँ से आपने करना है उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर पढ़िएगा और देखिएगा। और वहाँ जाके आपने वीज़ा फॉर्म को फिल करना है और फिर उसका प्रिंट लेकर, और उससे पहले आपने लेनी होती है जी अपॉइंटमेंट। ये सारी चीज़ें लेकर आप पहुँच जाएंगे जी जेरी के ऑफिस में। और इसके अलावा कोई ख़ास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपको चाहिए होता है, ये मेन डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए होते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने अगर टैक्स पेयर हैं तो अपने TNT, और अगर आप जॉब करते हैं तो अपना जॉब लेटर, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके एडमिशन लेटर, और अगर आपके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप अपने वालिद साहब की या वालदा की भी बैंक स्टेटमेंट या स्पाउस की बैंक स्टेटमेंट भी लगवा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप लेकर जाएंगे जेरी के ऑफिस में तो 4 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा वीज़ा। सिंगल एंट्री 4500, डबल एंट्री 6500 या 7000, ये इसकी फ़ीस है जो लास्ट टाइम अपडेटेड थी। तो ये तो थे दोस्तों डॉक्यूमेंट।
इसके अलावा जी दोस्तों, इसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, वो हैं जी एक आपका रिजर्व्ड होटल कि आप जहाँ पे रहेंगे उसकी आपकी बुकिंग जो कि कंफर्म हो, दूसरा आपकी रिटर्न टिकट। ये सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों। इस सिलसिले में आप चाइना सदर्न की एयरलाइंस ज़रूर लें, वो बहुत ही अच्छी है, उसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर आप जेरी के ऑफिस में जाएंगे और फिर आपका वीज़ा होगा प्रोसीड। इसके अलावा दोस्तों जो चीज़ नहीं करनी वो तीन चीज़ें हैं जिससे आपने परहेज़ करना है। एक तो ये कि आपने जब भी वीज़ा फॉर्म फिल करना है अच्छे तरीके से फिल करना है, कोई गलती नहीं करनी, अपना पासपोर्ट नंबर, अपना जो इटिनररी है उसको अच्छे तरीके से फिल करना है, और आपने ये भी बताना है कि आपने कहाँ कहाँ जाना है और क्या क्या करना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपने दोस्तों अपने पासपोर्ट को ज़रूर, आपकी वैलिडिटी 6 माह से ज़्यादा हो, ये ना हो कि आपकी वैलिडिटी कम हो और आप अप्लाई करें लेकिन आपको वीज़ा ही ना मिले। उसके अलावा दोस्तों जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपके पास इनविटेशन लेटर ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं होगा तो आपको वीज़ा हरगज़ नहीं मिलेगा, और आपकी फ़ीस भी ज़ाया जाएगी और आपका वक्त भी होगा ज़ाया। तो इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि टूरिस्ट वीज़ा, जिसको एल वीज़ा कहते हैं दोस्तों। ये जो टूरिस्ट वीज़ा है इसको चाइना का एल वीज़ा कहते हैं, जो कि टूरिस्ट लेके जाते हैं चाइना को देखने के लिए। जी तो दोस्तों बात करते हैं कि आपको कितने टाइम का वीज़ा मिलेगा। तो याद रखें दोस्तों, आपको वीज़ा मिलता है जी 3 माह का, उसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स होती है, लेकिन आप वहाँ पे मैक्सिमम जो स्टे करेंगे वो 1 माह करेंगे। लेकिन अगर आप 1 माह से ज़्यादा वहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे जाके इसकी लेंथ भी बढ़ानी होगी, वीज़ा का स्टे भी बढ़ाना होगा, वो बीजिंग में या शंघाई में आप इसको अपना जो स्टे है वहाँ पे उसको मुकम्मल, वहाँ पे अपने स्टे को भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपने ओवर स्टे नहीं करना है दोस्तों। अगर आपने ओवर स्टे किया तो फिर आप पे लग जाएगा एक कदगन जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा, और नेक्स्ट टाइम आपको फिर चाइना का वीज़ा भी बहुत ही मुश्किल मिलेगा, बल्कि नामुमकिन। तो याद रखें ये 3 माह का वीज़ा होता है, वैलिडिटी 3 माह होती है, लेकिन आपने रहना वहाँ पे 1 माह होता है। तो कोशिश ये करें कि जब भी चाइना जाएं तो 1 माह से पहले पहले वापस लौट आएं। फॉर एग्ज़ाम्पल 25 दिन में, 24 दिन में, 22 दिन में या 20 दिन में अपना सफ़र मुकम्मल करें, बीजिंग देखें, शंघाई देखें, ग्वांचू देखें, लांचू देखें, खफे देखें, वुहू देखें, हारबन देखें, गांसू देखें, चिंघाई देखें, इसके अलावा सूचो देखें, हांगचो देखें, और बहुत से सिटीज़ हैं दोस्तों, लियाओलंग देखें, चंगदू देखें, और इसके अलावा बहुत से सिटीज़ हैं। तो यहाँ के 34 सूबे हैं, और इन तमाम को देखें, वुहान देखें, चोंगचिंग देखें, आपको आएगा बहुत मज़ा। तो दोस्तों ये तो थी इंफॉर्मेशन अबाउट एल वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा चाइना के लिए। इसके मुतल्लिक आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और अगर आप मेरे चैनल में हैं न्यू, मुझे करें सब्सक्राइब। अपना रखें ख्याल। थैंक यू सो मच।